वाह क्या बात है, काफी शानदार। अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल दोनों पहलवान यहाँ पर, अभी आप देख रहे हैं कि दोनों पहलवान एक से बढ़कर एक है। दो सौ पहलवान आपकी पहली की तरफ से, और इसी के साथ में वाह बोलती रखा सेफ जोन को तोड़ रही है पीतल का बजरंग बली का गाता, और 10,700 पे कुश्ती जा रही है। समय देखते रहिएगा, बहुत ही कांटे की कुश्ती और क्या बात है, क्या बात है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अभी हम शेरगढ़ महोत्सव में हैं और शेरगढ़ महोत्सव जो है सासाराम में मनाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये दंगल हो रहा है। अभी हमारे साथ ये जो पहलवान दिख रही है ये लड़की, इनका नाम जो है ये पायल है, और ये बिहार के मगध क्षेत्र से है। मगध के ये कहाँ से आई है आप? पटना से। क्या नाम हुआ? पायल शर्मा है। ये पायल शर्मा जो अभी पहलवान दिख रही है ये पटना बार से आई है, और अभी इनको मुकाबला जो है दिल्ली के एक पहलवान उन्नति राठौर से होगा। और देखिए आप उधर वो पहलवान है, और ये जो पहलवान है इधर दिखाइए, ये जो पहलवान है पायल, ये एशियन चैंपियन भी रह चुकी है। और यहाँ पर देखने के लिए आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में पब्लिक आए हुए हैं, और ये दंगल मुकाबला जो है काफी शानदार और काफी अच्छा होने वाला है। आप लोगों को मैं लगातार आपको यहां से दिखलाते रहा हूं, ये शेरगढ़ महोत्सव यहां पर होने वाला है। और अभी आपको मैं मिलवाता हूं एक और पहलवान से, इनका नाम उन्नति राठौर है, और ये दिल्ली से आई है ना? हाँ जी। आप भी कहाँ कहाँ अभी तक खेलने गई हो? मैं इंटरनेशनल तक खेल रखा, नेशनल खेली हुई हूँ। हाँ, नेशनल खेली हो। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ से जीती हो? स्कूल नेशनल जीती हूँ, कैडेट नेशनल, जूनियर नेशनल, अंडर 23। अच्छा अच्छा, चलिए बिहार में आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। हाँ, पहली बार थोड़ा आई हूँ। हाँ, इससे पहले भी आई हो? हाँ। अच्छा, यहाँ से जीत के आई हो? हाँ। चलो, उम्मीद करता हूँ कि ये मुकाबला भी जीत के जाओ, और बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखिए मगध क्या एक शेरनी और दिल्ली के शेरनी दोनों आपस में जो है ये अभी यहाँ पर दंगल में भाग लेगी, और देखते हैं कि इस मुकाबला में कौन जीतती है। तो आइए, दंगल चालू होता है, और आप देखिए उन्नति राठौर का मुकाबला आप देख सकते हैं। 5 मिनट दंगली कुश्ती, नहीं फाइनल होगा तो पॉइंट। हाँ, 5 मिनट का समय है। ये ऐतिहासिक क्षण आप देख रहे हैं सीके टीवी इंडिया न्यूज के माध्यम से, और उसके बाद अभी दंगल चालू होने वाला है। 5 मिनट का समय है, और इस 5 मिनट में देखना यह है कि दिल्ली के पहलवान जीते ही और समय बिहार के। आप देखिए चालू हो गया है, समय दिखवाइए 5 मिनट। वाह क्या बात है, काफी शानदार। अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल दोनों पहलवान यहाँ पर, अभी आप देख रहे हैं कि दोनों पहलवान एक से बढ़कर एक है, और वाह इस कुश्ती के बाद काफी पहलवान तैयार हैं, काफी अच्छा मुकाबला। मीनू दिल्ली, प्रियंका झारखंड। मीनू दिल्ली, प्रियंका झारखंड इस कुश्ती के बाद तैयार रहेंगे। ओह क्या बात है, और अभी यहाँ पर बहुत जोरदार मुकाबला आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, काफी शानदार। ये देखिए, और देखना यह है कि इस मुकाबला में कौन जीतती है दोनों में से, बिहार या दिल्ली। एक मगध क्षेत्र बिहार के मगध से और एक दिल्ली से आई है। देखना यह है कि कौन इस मुकाबला को जीत करके जाती है। मगध से जो आई है उनका नाम पायल शर्मा है, और दिल्ली से आई है उन्नति राठौर। हाँ, पायल शर्मा ऐसे राष्ट्रीय मेडल है इनका। 10,200 का
जी के साथ में। वाह, उल्टी राठौर सेफ जोन को तोड़ रही है। देखिए रे फ्रेम है, बहुत ललिता मुखिया जी की तरफ से बहुत शानदार 700 का कुश्ती हो रहा है। 10,701 गादा पांच सौ ललिता मुखिया महमदपुर और 200 तेजू जादव ग्राम चितौनी। ये आपका कुश्ती गया 10,700 रुपया पड़ा। चलिए जो जीतेगा उनको 10,700 प्लस ऊपर से गादा पीला पीतल का बजरंग बली का गादा और 10,700 रुपए कुश्ती जा रही है। समय देखते रहिएगा। बहुत ही कांटे की कुश्ती और उखाड़ डाल लगा। क्या बात है पहलवान ने, क्या बात है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। और कुंती राठौर पवन शर्मा है, दोनों राष्ट्रीय और नेशनल हाँ का खेले हुए हैं। ये तो बड़े बड़े लड़कों को छक्का छोड़ा देती है। राठौर ही है जो कॉमनवेल्थ में पानी पिला दी थी। हाँ यही कुंती राठौर है जो आपके बीच में है। धन 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 माता, क्या बात है। बहुत शानदार प्रदर्शन आप देख रहे हैं। देखना यह है कि दोनों में कौन जीतती है। 5 मिनट का समय है। वाह, एक मिनट और समय बच रहा है। 4 मिनट समाप्त हो गया है, 1 मिनट बचा है। थोड़ा ताली बजा के पहलवानों का हौसला, आप लोग ताली बजाइए। ये किसी की बेटियां हैं, यही बेटियां कभी ओलंपिक में जाकर पूरे भारत में तिरंगा झंडा को फहराती है। सभी बेटियां इसी दंगल से यहीं से उठकर क्या बात है इंटरनेशनल स्तर की कुश्तियां खेलती हैं। यहाँ पर नेशनल समय समाप्त हो रहा है। बिहार और दिल्ली सीधे टक्कर और ईरानी कश्ती है। बहुत डेंजर पिच, ध्यान रखें, बहुत डेंजर हो चुका है कुश्ती। आप बबलू भैया, आप पार्टी के साथ में, आप अरविंद जी, समय समाप्त हो गया। थोड़ा जाए, समय समाप्त हो गया। दोनों जो खिलाड़ी है काफी जबरदस्त, दोनों एक से बढ़कर एक है। और टाइम खत्म हो गया है, 5 मिनट लगातार आप लोगों ने देखा। फिर से दोनों के बीच में होगा और इस बार में देखते हैं कि कौन जीतती है। बहुत बढ़िया शानदार रहा। दोनों एक से बढ़कर एक है, दोनों नेशनल खिलाड़ी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। फिर से 2 मिनट, इस 2 मिनट में जो जीतेगी वही यहाँ का होगी शेरनी दंगल का विजेता। यहाँ से इनका 10,700 का इनाम क्लियर होने जा रहा है। वाह, चार पॉइंट किसका है? रेड कस्टम के, रेड 4 उनकी राठौर का 4 पॉइंट। चलिए लड़ो कुश्ती, लड़ो 4 पॉइंट उनकी राठौर का। और दो दो
डेंजर में है कुश्ती, यहाँ से कुश्ती नहीं छुड़ाई जाती है जब तक पहलवान जीत ना हो जाए, समय समाप्त ना हो। क्या लगता है भैया कौन जीत सकते हैं? कुंती राठौर देखना है लास्ट। जब तक दोनों काफी ये रोमांचक और ये अंतिम मुकाबला है दोनों के बीच में, और देखना यह है कि दोनों में से कौन जीतती है। कुश्ती मान नहीं होती है, अभी भी एक कंधा उठा हुआ और एक कुश्ती। ये इस दंगल का ये पहला मुकाबला है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। दोनों में कौन जीती? अभी टाइम है कुश्ती हो गई। देखो चलिए कुश्ती समाप्त, दिल्ली जीत गई। यहाँ पर दिल्ली जीती है, ताली बजाइए आप लोग, ताली बजाइए, दिल्ली की जीत गई। कोई बात नहीं, अगली बार जीतना। यहाँ पर पहला दंगल था और जिसमें दिल्ली जीती है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रियंका, यहाँ पर लोग दूर दूर से इस दंगल मुकाबला को देखने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर पहले का भी पहलवान है जो यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। इस तरीके से लोग आप देख सकते हैं कि ये दंगल मुकाबला देखने के लिए आए हुए हैं। चाचा जी लाठी उठी लेकर के यहाँ पर दंगल देखने के लिए आए हैं, है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया।